हाईकोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर की मदन महल पहाड़ियों पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन और पुलिस का अमला पहुंचा। कलेक्टर छवि भरद्वाज, एसपी अमित सिंह, नगर निगम कमिश्नर चंद्र मौली शुक्ला के नेतृत्व में बुधवार की सुबह अमला मदन महल पहुंचा। अमले ने जब अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ना शुरू किया तब अतिक्रमणकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन अतिक्रमणकारी घरों से कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में अधिकारियों ने हाईकोर्ट के सख्त आदेश का हवाला दिया तब अतिक्रमणकारियों ने घरों से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। 2100 घर बने हुए हैं इस पहाड़ी के ऊपर, जिसमें से 700 के करीब पहले ही हटाए जा चुके हैं। लगभग 700 हमें अगले 15 दिन में और हटाने हैं और उसी के अंतर्गत इनके लिए 13 हेक्टेयर जमीन पर प्लॉट चिन्हित करके 450 स्क्वायर फीट के प्लॉट सभी परिवारों को दिए जा रहे हैं। इन सभी को BLC के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जा रही है, जिससे ये अपने नए मकान बना सकें। और एक प्रस्ताव हमने राजस्व विभाग को भेजा है जिसमें शिफ्टिंग के में जो खर्चा और नए मकान बनाने में जो अतिरिक्त सपोर्ट उसके अंतर्गत 2 लाख रुपए इनको एक प्रस्ताव हमने राजस्व विभाग को भेजा है देने के लिए। फिलहाल हमारा प्रयास यही है कि जो हमने हाईकोर्ट के समक्ष एक समयबद्ध सारणी प्रस्तुत की है इस पहाड़ी को खाली कराने के लिए, उसको हम डिफाइंड समय से पहले ही खत्म करा सकें।